गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो लेक्चर्स में हमने जो नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट्स थे, क्या दौर था आफ्टर जस्ट द रिवॉल्ट 1857, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, इनके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ओके, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नेशनलिज्म एज द नोट द नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, जो कि देशभक्ति की भावना होती है, देश के लिए कुछ करनी होती है। लिबरलिज्म थोड़ा सा अलग होता है, उनकी सोच इन नेशनलिज्म वालों से मिलती जुलती नहीं। ओके, पर एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म, इनकी सोच बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। ओके, इनकी सोच होती है, बात करने का तरीका होता है, या इनकी जो वर्किंग स्टाइल होती है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। ये डिफरेंस होता है नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का। ओके, सो हम इसमें थोड़ा ब्रीफली थोड़ा जानते हैं कौन कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी थी, लिबरलिस्ट पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, जो उन्होंने इंटरनेशनल अवेकनिंग जो मूवमेंट्स चले उसमें क्या क्या रोल प्ले किया। फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द कास्ट, फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन एंड क्लासेस पार्टिसिपेट्स इन हिज फर्स्ट कन्वेंशन। जब पहली जो कन्वेंशन हुई, तो जो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस जब पहली कन्वेंशन हुई, तो वहां पे वेरियस कास्ट के, वेरियस रिलीजन्स के, क्लासेस ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेशन किया उस फर्स्ट कन्वेंशन। आफ्टर लोकमान्य तिलक ज्वाइन इन दिस इंस्टीट्यूशन, केम क्लोजर टू द मासेस एंड महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस गिव इट्स नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव। और जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, इस पार्टी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलने लगा इन द नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव में, तो आफ्टर ज्वाइनिंग लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी, इंटरनेशनल कांग्रेस को नेशनल लेवल पे एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ। ओके, नाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेजेस। अब लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है, देश के प्रति कुछ करने की जो भावना है, वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कांग्रेस पॉलिसीज ऑल्सो चेंज्ड, वेरियस व्यूज डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस एग्जिस्टिंग थिंकिंग इमर्ज्ड। अब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, तो कांग्रेस की पॉलिसीज भी चेंज होती गई। जो एग्जिस्टिंग, जो उस समय जब कांग्रेस फॉर्म हुई, उस समय हो सकता है कुछ सोच या पॉलिसी अलग हो, बट इन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, उनकी पॉलिसीज चेंज होती गई। इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांग्रेस। अब इस चैप्टर में हम, या फिर इस टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि एक्चुअल में ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कांग्रेस की क्या थी। नाउ लिबरल नेशनलिस्टिक थिंकिंग या लिबरलिज्म को हम डीपली पढ़ेंगे। द पीरियड बिटवीन 1885 एंड 1905 इज नोन एज द लिबरल पीरियड। इन हिस्ट्री में लिबरल पीरियड 1885 से लेकर 1905 तक माना गया है इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। किसके रेफरेंस में? In the reference of the freedom movement that occurred in India. During this period, command of the International Congress was in the hands of liberal moderate leaders. The main moderate leaders were Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, Raj Bihari Bose, Mahadev Govind Ranade. These leaders had faith in moderate thinking and want to pursue their objective through gradual and legislative means. Ab ye dora, ye jo sab जो समय था, इसमें जो लीडर्स थे इंटरनेशनल कांग्रेस के, वो थे लिबरल से मॉडरेट थे। इनका जो उद्देश्य ये था, उनका फेथ थी कि हम जो हमें थिंकिंग ऑब्जेक्टिव है उसे ग्रेजुअल लेजिटेटिव मींस, मतलब कि कानून के दायरे में होकर हमें काम करना है। इस दौरान इसमें दादाबा नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय इंटरनेशनल कांग्रेस के। अब मॉडरेट्स वर बिलीवर ऑफ लेजिटेटिव मींस टू परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू अपील्स, मेमोरेंडम्स एंड डेलीगेशन। अब इनका जो तरीका था वो कैसा था? अपील करना, हो सकता है वो रिटर्न फॉर्म में दिया हो, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस, इसके थ्रू वो लोग अपनी जो भी बात रखना चाहते थे वो ऐसे रखते थे। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियन, मॉडरेट्स हैड सेंट डेलीगेशन टू इंग्लैंड। अब इनका डेलीगेशन, डेलीगेट्स सेंड करना है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स सेंड करना है, पांच जनों का डेलीगेशन मेंबर है, उनको ब्रिटेन भेज दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, अपील की थ्रू रिटर्न या वर्बल, जैसी भी। ओके, मॉडरेट हैज स्टार्टेड पब्लिशिंग ए न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडिया फ्रॉम लंदन। एवरी ईयर मॉडरेट इज टू पास अ प्रपोजल एंड पुट अप देयर डिमांड्स थ्रू लॉजिकल अप्रोच। देयर वर नो प्लेस फॉर एजुकेशन इन देयर प्रोग्राम, दे वर अपेरेंटली दैट एजुकेशन माइट रिजल्ट इन लॉलेस। अब इनका उद्देश्य यह होता था कि कोई भी चीज इनको अपनी बात रखनी, तो साल भर में जो भी इनके डिमांड्स होते थे उसको एक प्रॉपर प्रपोजल बनाते थे, और फिर अपने डिमांड ले जाके एक लॉजिकल अप्रोच की तरह, जो मतलब जैसे कानून के दायरे में जो रहकर जो अप्रोच किया जाता है वैसे वो करते थे। अब उनका यह मानना था कि हमें कोई भी ऐसा एजुकेशन नहीं करना, लाइक
उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होना, नारे नहीं लगाना, प्रोटेस्ट नहीं करना, इससे हो सकता है कि जो चीजें हैं वो हाथ से निकल जाए और वो कानून के दायरे के बाहर चली जाए। इनिशियली ब्रिटिश टूक ए सिंपैथिक व्यू टुवर्ड्स कांग्रेस, जब इनिशियल ईयर्स में जब मॉडरेट लीडर थे उस समय बहुत सिंपैथिक व्यू में उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को लिया। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज टू अटेंड द कन्वेंशन बट ग्रेजुअली द एटीट्यूड चेंज एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज एंड एंटी ब्रिटिश। पर लेकिन समय के होते होते पहले तो गवर्नमेंट जितने भी कन्वेंशन होती थी या डेलीगेशन मिलते थे तो ब्रिटिशर्स आके अटेंड करते थे, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनको ऐसा लगा कि एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है तो इस पर ध्यान देना कम कर दिया। ए क्लास ऑफ कांग्रेस मेंबर्स डिड नॉट अप्रूव द पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स, दे कंसीडर्ड मॉडरेट अप्रोच एज इफ दे वर सीकिंग फेवर फ्रॉम ब्रिटिश रूल। स्लोली इवन मॉडरेट्स वर ऑल्सो गेटिंग These scientists with British rule as their demand was not heeded by the British government. अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ जो कांग्रेस में थे उनके मन ऐसा था कि जो मॉडरेट जो लीडर्स का तरीका, जो लिबरल लीडर्स का तरीका है बहुत ज्यादा मीन्स ज्यादा अप्रोचिंग नहीं है, ब्रिटिशर्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और धीरे धीरे इन्हें खुद लिबरल लीडर्स को भी लगने लगा कि जो हमारा तरीका है अभी ब्रिटिश हम पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहे। इन द इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस देयर वाज नो डिमांड फॉर फ्रीडम। अब गौर करने की बात यह होगी कि जब इन द इनिशियल ईयर जब मतलब जब हम मॉडरेट लीडर्स की बात करें उस समय इनका डिमांड ये नहीं था कि हमें एक फ्री इंडिया चाहिए, इनका डिमांड था कि जो भी वेरियस उस समय जो उनकी डिमांड होती थी इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोपोर्शन, जॉब्स जो भी है, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी है, उसके ऊपर इनकी मांग थी, कोई फ्रीडम की ऐसी कोई मांग नहीं थी। ओनली फ्यू स्टेट्स आस्क्ड फॉर इंडिया, और उसमें ऐसा था कि उन्होंने केवल कुछ राज्य ही मांगे थे, होल इंडिया को फ्री करने की डिमांड थी, केवल कुछ राज्य मांगे थे जो कि उन्होंने मांगे थे। द टर्म सेल्फ रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तिलक इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 19th century, और उन्होंने एक टर्म दिया था सेल्फ रूल का जो कि तिलक ने इंट्रोड्यूस किया था इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 19th century। अब इसमें हालांकि जो मॉडरेट लीडर्स या लिबरल लीडर्स थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बाद में ब्रिटिश ने भले ही ध्यान नहीं दिया, उनकी मांगे डिमांड इनिशियल ईयर्स में तो पूरी करी गई बट बाद में उनको एक नज़रअंदाज कर दिया गया, बट लेकिन उनके कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ अचीवमेंट्स हैं मॉडरेट्स के, उनके बारे में हम जानते हैं। द मॉडरेट्स डिड नॉट सक्सीड इन अचीविंग देयर डिमांड्स थ्रू अपील्स और मेमोरेंडम्स बट दे हैव द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग एंड बैकग्राउंड रेडी फॉर अ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन द अर्ली लाइफ ऑफ कांग्रेस। हालांकि मॉडरेट लीडर से कोई भी डिमांड्स या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने खास अचीव नहीं किया था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं नींव रख दी थी एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी को फॉर्म करके जो कि आगे जाके उसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल प्रॉब्लम, एजुकेट पीपल फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। इसके साथ साथ एक फायदा यह था कि लोग जो पीपल्स थे वो कहीं ना कहीं अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन करना चाहते थे तो उसके लिए एजुकेट होना जरूरी है, तो पीपल स्टार्टेड एजुकेटिंग देमसेल्फ्स टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, although moderates considered British rule as a means for welfare, they never hesitated for criticizing British rule. हालांकि कुछ मॉडरेट लीडर्स का था माना था कि ब्रिटिश रूल ठीक ठाक है, बट वो कभी क्रिटिसाइज उन्होंने करा है ब्रिटिश रूल को। हालांकि उनका कहीं ना कहीं वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, बट लेकिन वो जब भी ब्रिटिशर्स को ऐसा कोई डिसीजन लेते थे उसको क्रिटिसाइज जो कि इंडियंस के फेवर में नहीं होता था तो वो क्रिटिसाइज भी करते थे। दादा मोहन जी मेड पीपल ऑफ इंडिया अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस अवेयर ऑफ द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट इट हैड ऑन इंडियन इकोनॉमी। और दादा मोहन जी जो ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंडियंस के बारे में अवगत कराया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया का सारा पैसा ले जाके अपने ब्रिटिशर्स में उनको वेल्दी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को कैसे वो हार्म पहुंचा रहे हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडरेट्स द ब्रिटिशर्स पास्ड अ बिल इन 1982 व्हिच परमिटेड इंडियंस टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। और मॉडरेट्स लीडर्स का अचीवमेंट जो खास इसने माना जाता है कि 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके तहत इंडियंस जो है वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सके। इससे पहले 1882 से पहले इंडियन जो ब्रिटिशर्स कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ वो अटेंड नहीं कर पाते थे, बट 1882 में मॉडरेट लीडर्स की अपील की वजह से इंडियंस कैन नाउ अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस दैट वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे एग्रेसिव नेशनलिज्म के बारे में। ओके, एग्रेसिव नेशनलिज्म In initial period of establishment of Indian National Congress for 20 years in 1885 to 1905, the command of the Congress was in the hands of the liberals. The initial years में जब Congress party का गठन हुआ तब जो command थी वो liberals के हाथ में थी। As you know, the aggressive hardliners were tired
ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अपील्स रिक्वेस्ट एंड डेलीगेशन. अब जो एग्रेसिव जो लीडर्स थे उसमें वो बहुत ज्यादा मतलब दुखी थे क्योंकि ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें अपील्स करने से, रिक्वेस्ट करने से, डेलीगेशन भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी थे. दे वॉन्टेड टू प्रिपेयर द पीपल फॉर नेशनल स्ट्रगल थ्रू इन्वोकिंग सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेट्रियोटिज्म एंड करेज. दे वॉन्टेड टू प्रेस द ब्रिटिश एम्पायर टू गिव द इंडियन देयर राइट. अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे या एग्रेसिव नेशनलिज्म जो थे पीपल्स थे, वो चाहते थे कि पीपल को अवेयर किया जाए, उनको तैयार किया जाए, उनको करेजियस बनाया जाए ताकि वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए लड़े. ओके और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करना चाहते थे और उनको कहीं ना कहीं फोर्स करे कि जो इंडियंस के जो राइट्स हैं वो आप उनको प्रोवाइड करें. द कॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. ओके क्या कॉज था कि क्यों ये इमर्जेंस हुआ इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक तो डिससेटिस्फेक्शन था पीपल्स का, तो ये जो लिबरल लीडर्स की जो बातें, जो अपील्स कर रहे थे, इसके साथ साथ जो डेलीगेशन भेजते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे, उन सबको असर नहीं पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को. उसका रीजन ये है ओके जो भी वो लोग कानून के दायरे में जो भी मॉडरेट लीडर्स अपील करते थे उसका भी कोई असर नहीं होता था. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द मॉडरेट. सबसे पहला डिससेटिस्फेक्शन था कि मॉडरेट्स जो लीडर्स हैं, लिबरल लीडर्स हैं, वो उनकी जो वर्किंग जो है थी, उनके काम करने की शैली जो थी वो सही नहीं थी. ओके द एग्रेसिव लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष एंड अदर रियलाइज दैट इंडियंस वुड नेवर गेट पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम मॉमरेडियंस एंड अपील. अब जो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, इनका मानना ये था कि लिबरली या फिर जो मॉडरेट होकर जो हम अपने अपील्स के थ्रू या डेलीगेशन भेज के हम अपने डिमांड्स को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इंडियंस की जो डिमांड्स वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा. एग्रेसिव लीडर्स हैव नो फेथ इन सो कॉल्ड ब्रिटिश जस्टिस एंड फिलैंथ्रोपी. और कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था ब्रिटिशर्स पर. ओके दे वांटेड टू लॉन्च ए पावरफुल मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल. और कहीं ना कहीं वो एक पावरफुल मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. लोकमान्य तिलक सेड इंडियंस विल नॉट गेट फ्रीडम ऑन अ सिल्वर प्लेटर. और कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक ने एक बात कही थी कि इंडियंस को आजादी प्लेट में नहीं मिलेगी, प्लेट में परोसकर नहीं मिलेगी, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा. फेलियर्स ऑफ द लेजिटिमी मूवमेंट्स. Having received a lot of requests and appeals from the moderates, British finally in 1892 to pass the Bharat Parishad Adhiniyam, but did not provide any valid rights to Indian. हालांकि बार बार रिक्वेस्ट, बहुत से रिक्वेस्ट मिला मॉडरेट्स के थ्रू अपील करने के बाद, ब्रिटिशर्स ने 1982 में एक भारतीय परिषद अधिनियम पास तो किया था, पर लेकिन उससे इंडियंस को कोई वैलिड राइट्स नहीं मिले थे. हालांकि जो इन्होंने पास किया था वो जो अपील की गई थी कि इंडियन के राइट्स फुलफिल किए जाए, उनके राइट्स को डिनाई नहीं किया जाए, पर लेकिन ऐसा पास किया, पर लेकिन उससे इंडियंस को पूरी तरीके से उनके राइट्स नहीं मिला. ओके दस ऑल द होप्स ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू लेजिस्लेटिव मींस फेडेड. और कहीं ना कहीं जो हमें पॉलिटिकल राइट्स इंडियंस को मिलने थे वो कहीं ना कहीं फेड होते गए. पॉलिटिकल राइट्स इन द सेंस यहाँ पर लाइक जो कॉन्फ्रेंसेस में है वहां पर वो बोल नहीं सके, वहां पर हमें सिर्फ राइट्स क्या मिला, हमें ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का, वहां पर हम अपनी बात नहीं रख सकते, उनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल सकते, हम केवल अटेंड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले. ओके तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव इन अपील्स के थ्रू भले हमने कितनी अपील्स करी, उन्होंने मान भी लिया हो, बट लेकिन हमें फुली राइट्स नहीं मिले. तो कहीं ना कहीं उस ऐसे राइट्स का ऐसे राइट्स जिसमें सिर्फ हम अटेंड कर सकते, हमने बात नहीं रख सकते, हमने पर्टिकुलर व्यूज नहीं रख सकते, तो ऐसे राइट्स का कोई काम नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये फेलियर ऑफ द लेजिस्लेटिव मूवमेंट्स भी फेल हुए, इस वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का इमर्जेंस हुआ. इसके साथ साथ द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल. और कहीं ना कहीं द मेन रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म वॉज द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. वॉट एवर प्रोमिसज इंडियंस वर गिवन थ्रू द भारत शासन अधिनियम एंड क्वीन विक्टोरियास अनाउंसमेंट इन 1858 दे प्रूव टू बी ओनली वर्बल फेसेस. जब 1857 के जस्ट बाद जब जो सारी जो जो वर्किंग मॉडल था या जितने फैसले लेने थे वो सब कहाँ से लेने का था कि गवर्नमेंट लेगी, यानी ब्रिटिशर्स की क्वीन लेगी, उनके हाथ में रहेगा सब कुछ. वो वहां से ब्रिटिशर्स पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडियन कंपनी रूल करती, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी. बट लेकिन उस समय जो उन्होंने वादे करे थे वो सिर्फ वर्बल वादे ही करे थे कि भाई हम इंडियंस के लिए काम करेंगे, हम इंडियंस की जनता को साथ लेके चलेंगे, केवल वर्बल कम्युनिकेशन था, वैसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था.
The policy of discrimination, exploitation continued as before. जैसे पहले चलता था exploit कर रहे थे Indians को, सेम वैसा ही बाद में भी चलने लगा, कुछ भी नहीं बदला. During the period of narrow-minded rule in British, the command of Indian rule was also given to the reactionary viceroys in the India. और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, जो बचे कुछ जो राजा थे उनसे भी कुछ हिस्से छीन लिए गए थे और वहां पर वाइसरॉयज अपॉइंट कर दिए गए थे. द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कम्प्लीटली रैकिली प्रिजाइज एंड इनह्यूमन टुवर्ड द इंडियन. और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था कम्प्लीटली रैकिली था, मतलब कि रंग के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना प्रिजिडाइज था, और इंडियंस को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे. लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड कर्जन हैड हर्ड द इंडियन फीलिंग्स अबाउट देयर रेस. और कहीं ना कहीं जो लॉर्ड लिटन थे और लॉर्ड कर्जन थे वो इंडियन के कलर्स पे लेके बहुत ज्यादा उन्होंने अन्याय किया लोगों के साथ, उनको बहुत ज्यादा भेदभाव किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे. इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड ए मेजर सेटबैक ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. द इकोनॉमिक पॉलिसी पेट्रोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट. द इंपॉर्टेंट ड्यूटी वॉज रिमूव फ्रॉम द ब्रिटिश ग्रुप विच कॉज द हैवी लॉस टू द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज. अब इसके साथ साथ एक और चीज क्या हुई कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई जिससे कि हमारे फार्मर्स को भी और हमारे जो इंडस्ट्रीज थे उनको भी सफर करना पड़ा, बहुत ज्यादा सेटबैक मिला. कहीं ना कहीं जैसे लाइक फार्मर्स उस समय राइस ग्रो करते थे, इनसे जबरदस्ती उनसे इंडिगो प्लांटेशन किया जाता था. इसके साथ साथ लाइक जो जितने भी कॉटन या फिर जो भी कपड़ा या टेक्सटाइल जो भी इंडस्ट्री हुआ करती थी उनको यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में बैन कर दिया था. पहले इंडिया अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था, बट लेकिन उस पर बैन लगा दिया गया. जो भी ड्यूटी लगती थी, टैक्स ड्यूटी लगती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऊपर सब हटा दी गई थी, उन्हें टैक्स पे नहीं करना, तो उनका तो कारोबार अच्छा चलता था, बट लेकिन इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा. द सोशल एंड द कल्चर एंड रिलीजियस मूवमेंट. बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द सोशल कल्चर एंड रिलीजियस मूवमेंट कंटिन्यूअसली प्रिपेयर्ड इंडिया माइंडसेट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट पीपल वेर चार्ज विद द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रीफाइस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रक द टेंडेंसी इन डिफरेंट लेथार्जी एंड इनफीरियरिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अवेकेंड द फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज. अब हमने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने का कारण क्या था, सोशल कल्चरल रिलीजियस जो भावना उन्होंने जो भावना है जिससे हमें ठेस पहुंची थी वो आगे जाके भी सेम रही. सोशली वी वर नॉट इक्वल, जैसे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो सोशली हमें सोशल स्टेटस इक्वल नहीं मिला, जिसकी वजह से वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, कल्चरल मूवमेंट्स हुए, जिसकी वजह से इंडिया वापस इंडिया के जो पीपल से जो आर्य समाज के जो फॉलोअर्स थे स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने मूवमेंट्स किए ताकि ज्यादा से ज्यादा पीपल अवेक हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो आवाज उठाए. उस दौरान बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एंड एनी बेसेंट ये सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन पीपल्स के अंदर अवेकनिंग की थी फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स और कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट की तरफ डायरेक्शन दिया था पीपल्स को. फिर आते हैं नेचुरल कैलमिटीज. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा था सूखे का आया था, जब यहाँ इंडिया में ड्रॉट हुआ था, मतलब सूखा पड़ गया था. ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी पीपल ऑफ इंडिया हैज फेस्ड मेनी नेचुरल कैलमिटीज. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड दिल्ली दरबार. अब जब इंडिया के बहुत ज्यादा हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ था उस समय ब्रिटिशर्स मेन अपनी जो दिल्ली में वो लोग दिल्ली का दरबार कर रहे थे, मीन क्वीन विक्टोरिया की जो राजपोशी थी वो कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ प्लाग इन मुंबई इन 1896 इन ड्यूरिंग इन कैलेमिटीज के दौरान सूखा पड़ना, जिसके दौरान और फिर उस समय महामारी फैलना, इन दोनों के दौरान ब्रिटिशर्स वेर वेरी अनअवेयर, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ब्रिटिशर्स पे. वो अपने प्रोग्राम्स अपने क्वीन के ऑनर में उन्होंने प्रोग्राम्स रखे जिसकी वजह से इंडियंस काफी ज्यादा आहत हुए, कहीं ना कहीं इन्होंने एजिएट किया नेशनल मूवमेंट की तरफ. ओके, इंडियंस को इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरन रिवोल्यूशन. द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश इनेबल्ड मेनी एजुकेटेड इंडियंस टू कम अक्रॉस द वेस्टर्न रिवोल्यूशनरी आइडियाज. वॉलेटर, माइजिनी, ब्यूर्ग एंड गारिबाल्डी वेर वन ऑफ द
ones who influenced the most. The victories of Abyssinia in Italy and small countries like Japan victory on Russia enthused the people with hope. Or फिर other parts of the world में भी revolution start हो गए, like France में revolution start हो गया था, Japan में Russia के against revolutions हो गया था, जहाँ पे Japan की जीत हुई थी. तो कहीं ना कहीं इन जो जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया में जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स या अदर पर जो बड़े सुपर पावर्स कंट्रीज थे इनके अगेंस्ट जब वहाँ पर जीत मिलना स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं इंडियंस को भी ये लगने लगा कि हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जीत सकते हैं. इसके साथ साथ कुछ इंडियंस एजुकेट हो रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश एजुकेशन उनके पास वेस्टर्न थिंकिंग आने लग गई थी. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने लगे, इन्होंने वेरियस नॉवेल्स पढ़ने लग स्टार्ट कर दिया, दुनिया के अलग अलग हिस्से में क्या हो रहा है वहाँ की किताबें पढ़ना स्टार्ट करी. तो वहाँ पे जब पता करा कि कैसे वहाँ पर उन्होंने वापस से डेमोक्रेसी के लेके आया, या फिर जो इनका शासन था ब्रिटिशर्स का या अदर कंट्रीज का, अमेरिकाज का, दूसरे कंट्रीज पे, उनसे कैसे छुटकारा पाए. ओके, देन कम्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म. लॉर्ड कर्जन ने 1905 डिवाइडेड बंगाल इन टू पार्ट्स फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल. उसी तरह लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के दो हिस्से कर दिए थे, है ना. वहां पर उन्होंने ये सोचा था कि हम डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने करते आए हैं, उन्होंने आगे जाके भी सक्सेसफुल उन्होंने करा, वहां पर उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई. दिस वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ द बंगाल एंड ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द यूनिटी बिटवीन देम. और ये कारण क्या था कि जो हिंदू जो बंगाल में हिंदू एंड मुस्लिम थे उनके अंदर फूट डालना, इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि इंडिया की यूनिटी को पूरी तरीके से परमानेंटली डिवाइड कर दिया जाए. दिस कॉज अ पोटेंशियल एक्सप्लोसिव सिचुएशन इन बंगाल. सुरेंद्रनाथ बनर्जी रिटर्न द पार्टीशन ऑफ बंगाल कॉज द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू टेक द एग्रेसिव स्टांस. महात्मा गांधी एक्सेप्टेड इट इन हिंदू स्वराज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द रियल अवेकनिंग टू प्लेस इन इंडिया. और कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक्चुअल अवेकनिंग होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज उस दौरान बहुत सारे लीडर्स महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने एक हुए और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स को खड़े हुए और वेरियस नेशनल मूवमेंट्स करना स्टार्ट करे. और कहीं ना कहीं जो बंगाल का पार्टीशन है उसने कहीं ना कहीं इंडियंस को, इंडियन नेशनलिस्ट को एग्रेसिव होने में मजबूर कर दिया. ओके, यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स पढ़े ये हमने कारण पढ़ा कि क्यों इमर्जेंस हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का इन द नेशनलिज्म. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट और उनके सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या थी इनके बारे में हम जानेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.